गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, वेदर वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो वेदर हमारा जिसको हम मौसम कहते हैं, क्लाइमेट और अडेप्टेशन उसके अनुसार एनिमल्स किस तरह से वहाँ पर रहते हैं, ये हम सब इसमें डिस्कस करेंगे। व्हाट यू विल लर्न, यू विल लर्न अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। आप सीखेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, सीजन्स ऑन द अर्थ एंड अडेप्टेशन ऑन द अर्थ। अडेप्टेशन और सीजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? अर्थ इज द ओनली प्लेनेट, केवल एक ऐसा प्लेनेट है अर्थ, सो फार नोन, जो अब तक जाना गया, टू हैव एन इन्वायरमेंट, यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट है दैट कैन सस्टेन लाइफ, जिससे जीवन यहाँ पर संभव हो सकता है। इट इज ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर सभी कंडीशंस आवश्यक रूप से अवेलेबल है जो प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए आवश्यक है। दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, ये एनिमल्स और प्लांट हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर, छाया, क्लोथ्स, मेडिसिंस एंड फुलफिल ऑल अदर नीड्स, और हमारी सारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब क्वेश्चन ये होता है, व्हाट आर दीज कंडीशन, ये क्या कंडीशंस हैं, दोज आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल, जो हमें सर्वाइवल के लिए आवश्यक है, और प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेट अस अंडरस्टैंड, इसको समझेंगे। द स्टेटमेंट सच ए, इट इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड टूडे, ये कहा जाता है कि आज बहुत गर्म ह्यूमिड है। इट इज गोइंग टू बी क्लाउडी टुमारो, तो कल क्लाउडी हो सकता है। टुमारो अ मिस्टी मॉर्निंग विद ए पार्शली क्लाउडी स्काई एक्सपेक्टेड, मिस्टी मॉर्निंग और वहां पर पार्शली क्लाउड, मतलब आधा आधा 50-50 बादल हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अपीयर इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में ऐसा देखा जाता है। रेडियो एंड टेलीविज़न अंडर द हेडिंग वेदर, रेडियो और टेलीविज़न में भी आता है हेडिंग वेदर। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फर्स्ट विजिट टू एन नॉट सो फेमिलियर प्लेस, जब आप तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं फर्स्ट विजिट के लिए, जिससे आप फेमिलियर नहीं है, यू आर एडवाइज बाय द एयरलाइन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, तो आपको एयरलाइन के द्वारा वहाँ के प्लेस के क्लाइमेट के बारे में बताया जाता है। यू माइट हैव हर्ड वर्ड्स लाइक हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ड्राई, हॉट एंड ड्राई एसेट्रा, तो आपने ये शब्द सुने होंगे, हॉट ह्यूमिड, कोल्ड और ड्राई, और हॉट और ड्राई एसेट्रा, इन रेफरेंस टू सर्टेन प्लेस, कुछ प्लेस के रेफरेंस में। दीज वर्ड्स आर यूज फॉर क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं वहाँ के क्लाइमेट, प्लेस के क्लाइमेट के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट इज मीन बाय वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट का मतलब क्या है, हाउ डज वेदर अफेक्ट आवर डेली रूटीन, कैसे हमारा डेली रूटीन अफेक्ट होता है वेदर से। हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट वेरियस ऑर्गेनिजम्स, कैसे हमारा क्लाइमेट अफेक्ट करता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न समथिंग अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, हाउ डू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट, तो वो अपने हैबिटेट से कैसे रह सकते हैं उसकी तरफ। नाउ वेदर, द अर्थ इज नॉट ओनली प्लेनेट, केवल अर्थ एक ऐसा प्लेनेट नहीं है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। देर आर एट अदर प्लेनेट्स, दूसरे आठ प्लेनेट्स भी हैं दैट रिवॉल अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बट अर्थ इज द ओनली प्लेनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, ये प्लांट की जगह प्लेनेट कर लें आप, क्योंकि ये गलत है। केवल लेकिन बट अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लेनेट है जो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। A number of factors are responsible for it. बहुत सारे factors इसके लिए responsible हैं. These are distance of the earth from the sun. Distance है sun से earth की is sufficient.
पर्याप्त है टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जो सरफेस पर टेम्परेचर है वो कीप अच्छी तरह से रख सकती है। कैन एग्जिस्ट एट इज टेम्परेचर, तो वो एग्जिस्ट करता है उसी टेम्परेचर में। द लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की जो लेयर है विच सराउंड अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करती है, प्रिवेंट्स टू मच हीट फ्रॉम लिविंग अर्थ इनटू स्पेस। तो वहाँ से बहुत कम हीट जितनी ज़रूरत होती है उसको रोक लेती है। अदरवाइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी -300 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -300 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। द लेयर ऑफ ओजोन विच सराउंड्स अर्थ, जो ओजोन की लेयर है वो सराउंड करके रखती है अर्थ को, डज नॉट अलाउ अल्ट्रावायलेट रेज, वो अल्ट्रावायलेट रेज को अलाउ नहीं करती है टू रीच अर्थ, अर्थ पर पहुंचने में, फ्रॉम द सन, सन से। अदरवाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब वो मर जाएंगे। आवर सराउंडिंग्स मेकअप द फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारी सारी सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट को बनाती है इन विच वी लिव, जिसमें हम रह सकते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्ले अ रोल, बहुत सारे फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनिंग देने, इन्वायरमेंट को डिटरमाइन करने में। इन क्लास सिक्स यू हैव रीड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, तो आप पढ़ चुके होंगे सिक्स क्लास में कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। क्लाइमेट इज वन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, तो क्लाइमेट एक फिजिकल फीचर से इन्वायरमेंट का। वेदर इज अनदर टर्म, वेदर दूसरी टर्म है, कॉमनली यूज्ड इन दिस रिगार्ड, कॉमनली उपयोग किया गया है। वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट वेदर, वेदर हम पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्लाइमेट का डिस्कस करेंगे। अ टिपिकल वेदर रिपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डे, अ टिपिकल वेदर रिपोर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर डे, किसी भी दिन की टिपिकल वेदर रिपोर्ट इज शोन अलोंग साइड, इसके अलोंग साइड देख सकते हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेचर, यह हमें टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एसेट्रा, ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स, 24 आवर्स के दौरान। इट ऑल्सो प्रोवाइड फोरकास्ट फॉर द वेदर फॉर द डे, ये हमें फोरकास्ट भी प्रोवाइड करती है वेदर तो मौसम है डे के लिए। यू कैन सी हियर, ये वेदर रिपोर्ट है फॉर ए न्यूज़ पेपर, ये वेदर रिपोर्ट है टेलीविजन। नाउ यू कैन सी द शॉर्ट टाइम एटमोस्फेरिक कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर। तो शॉर्ट टाइम, शॉर्ट समय के लिए जो एटमोस्फेरिक कंडीशंस हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या समय की, विद रेस्पेक्ट किसके साथ, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा, इन सबको हम वेदर कहते हैं। एट दैट प्लेस द टेम्परेचर, उस प्लेस पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, तो इन सबको हम एलिमेंट्स कहते हैं वेदर के। वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर बहुत कॉम्प्लेक्स परिवर्तन है। इट कैन चेंज सडनली ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड, इसको हम सडनली आसान अचानक से चेंज कर सक चेंज हो सकता है वेरी शॉर्ट पीरियड में, बहुत कम छोटे पीरियड में। द वेदर मे बी सनी इन द मॉर्निंग, वेदर सनी हो सकता है मॉर्निंग में। इट मे गेट क्लाउडी विद इन एन आवर और टू, ये क्लाउडी हो सकता है 1 या 2 घंटे में। एंड इट मे रेन हैविली वेरी सून देयर आफ्टर, और उसके बाद बारिश भी हो सकती है। दैट इज वाई द वेदर फोरकास्ट और नॉट ऑलवेज राइट, इसीलिए वेदर फोरकास्ट हमेशा राइट नहीं होता है। वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय वेदर बलून्स, वेदर फोरकास्ट जो डेटा कलेक्ट करते हैं वेदर बलून के द्वारा, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन एक्सेट्रा,
जो सैटेलाइट से फोटोग्राफ क्लिक किए जाते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के, उनके आधार पर बताया जाता है कि वेदर कैसा होगा। वेदर फोरकास्टिंग इज हेल्पफुल टू पीपल इन द फॉलोइंग वेज। वेदर फोरकास्टिंग बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। इट अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। ये लोगों को अलाउ करती है कि वो बैड वेदर के लिए तैयार हो जाए। इट हेल्प्स इन द प्लानिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज। ये हमें डेली एक्टिविटीज़ को प्लान करने में भी सहायता करती है। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। जिसमें वेदर के बारे में स्टडी की जाती है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। द प्रोफेशनल हु स्टडी एंड रिकॉर्ड वेदर आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट। जो प्रोफेशनल होते हैं, स्टडी करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वेदर के बारे में, उनको मेट्रोलॉजिस्ट हम कहते हैं। एक्टिविटी वन, टू कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वन वीक। एक वीक की हमें वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन। और टेबल जो गिवन है उसमें हमें रिकॉर्ड करना है। प्रोसीजर, कट आउट द वेदर रिपोर्ट फॉर द लास्ट वन वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर से आप कट कर सकते हैं। और यू कैन फोटोकॉपी दीज रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। और फोटोकॉपी कर सकते हैं वहाँ से। एंड कट आउट द रिपोर्ट्स, पेस्ट ऑल द वेदर रिपोर्ट कट आउट्स ऑन ए चार्ट पेपर। इसको चार्ट पेपर पर लगाएं। रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन आज फॉर अ टेबल। रिकॉर्ड करो इन्फॉर्मेशन को। वेदर डेटा फॉर ए वीक, डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वीक के लिए। डेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। टिपिकल वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज पेपर, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ की डेट है, टेम्परेचर मैक्स मिनिमम, मैक्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम, रेनफॉल। द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डेटा प्रेजेंटेड इन द अबव टेबल। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आर नॉट द सेम फॉर ऑल द डेज। तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सभी दिन के लिए सेम नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। द डे टू डे चेंजेज इन टेम्परेचर। जो डे टू डे चेंजेज होते हैं टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में और रेनफॉल आर नॉट द सेम, वो सेम नहीं होते। नाउ वी कैन से, हम कह सकते हैं, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर। डे टू डे कंडीशन किसी भी एटमोसफियर की एट ए प्लेस, किसी भी प्लेस पर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। तो इसी को हम उस जगह का वेदर कहते हैं। इन शॉर्ट, वेदर इज डिफाइंड एज द एटमोस्फेरिक कंडीशंस ऑफ ए प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो वेदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, वो होती है उसकी वेदर कंडीशन। इज ए डेली फिनोमिना एंड इट मे चेंज एवरी डे। ये डेली फिनोमिना होता है और ये चेंज हो सकता है रोजाना। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेदर टेल्स यू अबाउट टेम्परेचर। वेदर हमें बताता है टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल, क्लाउड्स, सनशाइन। द अमाउंट ऑफ सनशाइन अ प्लेस, सनशाइन का जो अमाउंट है प्लेस, गेट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। उसको चेंज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, ऑफ द डे एंड द सीजन, डे और सीजन का। देर आर मोर आवर्स ऑफ सनशाइन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवर्स हैं सनशाइन के। ड्यूरिंग समर देन विंटर, द वेदर इज हॉट, वेदर हॉट है घर में। वेन द सन शाइन्स ब्राइटली, जब सन शाइन करता है ब्राइटली तब गर्म होता है। इट इज ए कूल वेन देर इज नो सन, ये ठंडा होगा जब सन नहीं होगा। दिस एक्सप्लेन वाई नाइट्स आर कूलर देन डेज, इसीलिए रातें ठंडी होती है दिन की अपेक्षा। हीट फ्रॉम द सन मेक्स द टेम्परेचर राइज, तो ये दिन हो गया, ये नाइट हो गई। हीट एस्केप्स इन टू द स्पेस सो द टेम्परेचर फॉल्स, इसीलिए टेम्परेचर गिर जाता है। वेदर इन ए डे और नाइट, ह्यूमिडिटी इज ए मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी को हम मेजर कर सकते हैं कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर के अंदर। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गोज। रेनफॉल को हम रेन गोज इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर आर यूज टू रिकॉर्ड मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एवरी डे। तो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर हम यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए।
द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, इट कैन हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो सकता है, दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग, सनी हो जाए मॉर्निंग में, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर, लेकिन अचानक से बादल आ जाए, फ्रॉम नाउ हेयर, अब यहाँ से, एंड इट स्टार्ट रेनिंग हेविली, और वो बारिश कर सकते हैं बहुत तेज, और ए हैवी रेन में वनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, और हेवी रेन थोड़ी देर में ख़त्म हो सकती है, एंड गिव वे टू ब्राइट सनलाइट सनशाइन, तो ब्राइट वापस सूरज निकल जाएगा। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस, आपने एक से एक्सपीरियंस सेवरल देखे होंगे, ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस, इसको रिकॉल करो, कोशिश करो, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सिंस वेदर इज ए सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, इट इज नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, इसको आसानी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखाता है, रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2010, 9 अगस्त 2010 एट शिलोंग मेघालय, तो ये टेम्परेचर का रिकॉर्ड किया गया है। ग्राफ दिखा रहा है आपको शोविंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 अगस्त और 9 अगस्त, तो आप देख सकते हैं ये डेट है यहाँ पर, ये टेम्परेचर यहाँ पर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एज इट इज क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट, ये क्लियर हो सकता है किसी भी वेदर रिपोर्ट से, द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड एवरी डे, जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है प्रत्येक दिन। डू यू नो हाउ दीज टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड, कैसे जानते हैं आप ये रिकॉर्ड किए जाते हैं? चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज, इसके लिए विशेष थर्मोमीटर होते हैं कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जिनको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो डे का आफ्टरनून में होता है, वाइल द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग, तो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग में वो होता है। थैंक यू।